वो मोर्चे नू जो चैनल दिखाते ने फिर वो बंद कर लग जांदियां ने। पंजाब सरकार ने साडा जिहड़ा सोशल मीडिया ये चैनल ने यह बंद करते हैं क्योंकि पंजाब सरकार घबराई हुई है। मैं सरकार नूं दसना चाहुंदा चैनल बंद करके तुसीं मोर्चे नूं ढा नहीं ला सकते। ये मोर्चा चढ़दी कला वल जित वल वध रहा है। तुसीं चैनल बंद करके ये जित नूं रोक नहीं सकते। बंदी सिंघां दी रिहाई रोक नहीं सकते। ये जिहड़े चैनल बंद कीते आ भुल्लर टीवी अकाल चैनल अकाल सहाय 22 पंजाब NRI टीवी TF न्यूज ये सारे चैनल सरकार ने बंद कर दिते। सरकार घबरा गई है। जेड़ा गोदी मीडिया उन्हें कोई कसर नहीं छड़ी इत्थे मोर्चे नूं बदनाम करन वास्ते। कदे अतवादी कदे बखवादी सानू दसदे आ कदे खालिस्तानी दसदे आ। मैं गोदी मीडिया नूं कहना चाहुंदा भी ये प्रापोकंडा बंद करो। ये गुरु ग्रंथ साहब का मसला है। जे तुसीं सानू बराबर दे हक दित्ते होंदे असी कानू मोर्चे लाउंदे। साढ़े नाल हमेशा ही धक्का होया चाहे कांग्रेस होवे चाहे BJP होवे चाहे आप वाले होण। सारियां ने सिखां नाल धक्का कीता पर सिखां ने कदे भी धक्का नहीं कीता। ते मैं फिर पंजाब सरकार नूं कहना जिहड़े आ टैलीविजन TV चैनल बंद कीते ने इहनां नूं तुरंत चलाया जावे। गुरु खालसा सतसंगत जी सतगुरां नूं शीश झुकाउंदे होए गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कौमी इंसाफ मोर्चा दिनों दिन चढ़दी कला वल जा रहा है। हर रोज़ बड़ी गिणती दे विच पंजाब तो हरियाणे तो UP तो दिल्ली तो जम्मू कश्मीर तो राजस्थान तो बड़ी गिणती दे विच सिख संगत आउंदियां ने। ते सरकारां जिहड़ियां ने वो अंदरों कंब गईयां ने। किसानी मोर्चा जिहड़ा चलिया सी उहदे विच बहुत उतरा चढ़ाए सीगे। इस तरह हुंदा सी हुण ये जित दियां निशानियां ने। सरकारां जदों बखलाट दे विच आ जाण फिर वो सामने अटैक नहीं करदियां। वो मोर्चे नूं जो चैनल दिखाउंदे ने फिर वो बंद करन लग जांदियां ने। पंजाब सरकार ने साडा जिहड़ा सोशल मीडिया ये चैनल ने यह बंद करते हैं क्योंकि पंजाब सरकार घबराई हुई है। कल अजनाले दे विच जो भी प्रोग्राम तुसी देखे है भाई अमृतपाल सिंह ने सिंघां दी रिहाई कराई है। भाई तूफान सिंह अज रिहा करता थाने दे विच जाके सिंघां ने दबाव प्रेशर अगे सरकार झुकी है। वो सारा प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड दे विच चैनलों ने दिखाया है। ते सरकार दुखी होई पई है इन्हां चैनलों तो। उन्होंने चैनल अज बंद कर दिते। इत्थे लाइव चलदा सी ये भी बंद करता। मैं सरकार नूं दसना चाहुंदा चैनल बंद करके तुसीं मोर्चे नूं ढा नहीं ला सकते। ये मोर्चा
चढ़दी कला वल जित वल वध रहा है। तुसी चैनल बंद करके ये जित नूं रोक नहीं सकते, बंदी सिंघां दी रिहाई रोक नहीं सकते। ते जिहड़े चैनल बंद कीते आ भुल्लर टीवी, अकाल चैनल, अकाल सहाय, बाईस पंजाब, एन आर आई टीवी, टी एफ न्यूज, ये सारे चैनल सरकार ने बंद कर दिते। सरकार घबरा गई है। मैं सरकार नूं कहना चाहुंदा इन्हां नूं तुरंत बहाल किया जाए, ये चैनल चलाए जाण तां कि मोर्चे दियां पंजाब दियां जिहड़ियां सही गतिविधियां ने वो लोकां दे विच आ सकण। असीं सारे चैनलों का धन्नवाद करते हैं जो इस मोर्चे दियां गतिविधियां अते पंथक गतिविधियां नूं सही दिशा दे नाल सही खबरां दिखाउंदे ने। जिहड़ा गोदी मीडिया उन्हें कोई कसर नहीं छड्डी इत्थे मोर्चे नूं बदनाम करन वास्ते। कदे अतवादी, कदे बखवादी सानूं दसदे आ, कदे खालिस्तानी दसदे आ। मैं गोदी मीडिया नूं कहना चाहुंदा भी ये प्रापोकंडा बंद करो। ये गुरु ग्रंथ साहब का मसला है। जे तुसीं सानूं बराबर दे हक दित्ते होंदे असीं कानूं मोर्चे लाउंदे? आ बंदी सिंघां नूं छड्डो, पहलां तां तुसीं बराबर दा हक सानूं दित्ता ही कोई नहीं। सन 47 दे विच जदों देश आजाद होया, भारत आजाद हो गया, सिख गुलाम फिर हो गए, ये तो आजाद हो ही नहीं। मास्टर तारा सिंह, बलदेव सिंह, नहरू ते गांधी दियां चालां दे विच आ गया। उन्होंने भड़ोलिया भी असीं तुहानूं बराबर दे हक देवांगे, तुसीं आजादी का निंघ माण सकोगे। आ देख लो असीं आजादी का निंघ माणदे आ, जिहड़े उन्हां दे कीते होए वादे वादा खिलाफी होए, साढ़े नाल हमेशा ही धक्का होया। चाहे कांग्रेस होवे, चाहे बीजेपी होवे, चाहे आप वाले होण, सारियां ने सिखां नाल धक्का कीता है, पर सिखां ने कदे भी धक्का नहीं कीता। जदन असीं धक्का करता सरकारे, फिर तुसीं खड़ना कोई नहीं। ये खालसा पंथ है, पंथ सरकार दियां चीकां निकलियां पईआं ने। जिहड़े सिखां दे मखौटे दे विच लोक ने उहनां दियां भी चीकां निकलियां पईआं ने, क्योंकि ये मोर्चा सही दिशा दे वल वध रहा है, अपनी मंजिल वल वध रहा है। जिहड़े लोक कहिंदे ने सिखां दे मखौटे पा के बंदी सिंघ रिहा नहीं होने चाहीदे, चाहे वह कांग्रेस है, चाहे आप वाले ने, चाहे बीजेपी है, कोई भी पार्टी है, चाहे बादल है, वो नहीं अंदरों चाहते भी ये बाहर आ जाना, क्योंकि उन्होंने उन्होंने खतरा महसूस होने लग गया। उन्होंने तो सारिया कार्रवाइया ही ने, उतों तो पखंड करते फिरते ने, ड्रामे करते फिरते ने, असल यही नहीं बाहर आन देंगे इन्हों। तो सरकारों एक दिन जरूर चुकना पेगा, क्योंकि ये मोर्चा गुरु का है। इस मोर्चे की ग्राही अगवाही गुरु ग्रंथ साहब महाराज कर रहे ने। असी जितांगे, सानू गुरु ते विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता दे नाल अरदास करके असी बैठे हाँ। असी बंदी सिंघां नूं छड़ा के ही इत्थों उठांगे। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दीआं बेअदबीआं दा इंसाफ लेके बाइबल कलां दे विच जिहड़े सिंघ शहीद कराए ने, इन्हां ने कीते ने, सरकार ने जिन्ना चिर उन्हां नूं सजावां नहीं मिल जांदियां, ये मोर्चा निरंतर जारी रहेगा। तो मैं फिर पंजाब सरकार नूं कहना जिहड़े आ टैलीविजन टीवी चैनल बंद कीते ने, इन्हां नूं तुरंत चलाया जाए ताकि पंजाब दी हर एक खबर जिहड़ी लोकां तक पहुँचती है, बल दे विच पहुँचती है, जिहड़ा सच दिखाउंदे ने उह तुहाथों बर्दाश्त नहीं हुंदा। गोदी मीडिया सानू पंजाब नूं बदनाम करन ते तुलिया होया, फिर तुहानू शर्म आउणी चाहीदी है पंजाब सरकार नूं।
ਇਹ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸੋਂ ਵਾਰਸ ਆਓ, ਬਹੀਰਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹੀਅਤ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਡਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਪਰਖਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ